फ्रेंड्स, बिहार आईटीआई के जितने भी छात्र हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो है सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 9 तारीख को जारी होना था, जो कि आज 9 तारीख है भी, ठीक है। तो अभी तक जो है बोर्ड की तरफ से जारी क्यों नहीं किया गया है और यह कब आएगा, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला है। क्योंकि व्हाट्सएप पर जो है मैंने जो नंबर दिया फ्रेंड्स, व्हाट्सएप नंबर, उस पर लगातार मैसेज आ रहा है, ठीक है सर, कि सेकेंड राउंड कब आएगा, अगर मेरा नहीं आता है तो क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चों के मन में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले नहीं आने के पीछे का रीज़न समझिए। नहीं आने पीछे के फ्रेंड सबसे बड़ा रीजन देख सकते हैं, ये बीसीएससी जो एली है, बीसीएससी एली, इसका फ्रेंड्स काउंसलिंग का प्रक्रिया हो रहा था, लेकिन जो है इसको बदल दिया गया, अब जो है नया डेट जारी किया गया, ठीक है, नया डेट जारी किया गया। सबसे पहले बीसीएससी एली जो होता है, एली का अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद देखिए, दो दिन से फ्रेंड्स, कल ही आना था, ठीक है, 8 तारीख से ही जो है पारा मेडिकल का काउंसलिंग स्टार्ट होना था, ठीक है, 8 तारीख से पारा मेडिकल का ही मतलब काउंसलिंग का प्रक्रिया स्टार्ट होना था, वो भी जो है नहीं आ पाया अभी तक। पारा मेडिकल का अभी तक काउंसलिंग प्रक्रिया ना स्टार्ट हुआ है, ना ही सीट मैट्रिक जारी हुआ, ठीक है। तो अभी जो है वेबसाइट काफ़ी बिजी है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है कल 10 तारीख को बिहार पॉलिटेक्निक का जो है फर्स्ट राउंड का आने वाला है। तो देखिए, जो वेबसाइट है फ्रेंड्स वो काफ़ी बिजी चल रहा है, आज लगता नहीं है फ्रेंड्स, आज जो है 8 बज गया जब हम वीडियो बना रहे हैं, तो अभी तक जो है वेबसाइट जारी नहीं, वेबसाइट पर जारी नहीं हुआ है, इसका मतलब जो है अब लगभग लगता है कि 10 को ही जारी होगा, ठीक है, अब जो है लगभग 10 को ही जारी होगा फ्रेंड्स, आज जो है कम संभावना है। जैसे ही मान लीजिए आज आ भी जाता है तो आपको वीडियो बनाकर बता देंगे कैसे चेक किया था, ठीक है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।